नो मैदा, नो ओवन, नो अंडा और एक बहुत ऐसी प्यारी स्वीट डिश। तो चलिए आज बनाते हैं मैंगो केसरी मिल्क केक। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक पैन, अगर नॉन स्टिक है तो बहुत अच्छा है, बिगनर्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है उसके लिए लेंगे हम, क्योंकि मैंगो का है तो थोड़ा चिपचिपा होता है। इसके लिए लेंगे हम आधी चम्मच घी और इसको पूरे में ग्रीस करेंगे, इस तरह से ब्रशिंग कर देंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे दूध, इसको तेज कर देते हैं गैस को और दूध को उबलने देते हैं। और दूध को हमें जब तक गाढ़ा करना है, जब तक कि ये आधा ना रह जाए, जब तक पकाना है। और गाढ़ा भी होने लगा है, इसमें साइड में मलाई आने लगी है। थोड़ा सा हम लो मीडियम करेंगे इसको और धीरे धीरे इसमें ये हम पल्प मिलाएंगे मैंगो का। इस समय हम लोगों को सारी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो इम्यूनिटी के लिए हमारी बहुत ही अच्छी हो, जैसे दूध है और फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो इसी तरह से हम चलाते हुए हाई फ्लेम कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें मिलाऊंगी ये केसर वाला दूध, जो इसके कलर को और भी इन्हेंस करेगा और स्वाद को भी। देखिए इसको मिलाते ही इसका कलर एकदम चेंज होने लगा। चलिए अब थोड़ा ये गाढ़ा हो गया है, अब इसमें मिलाते हैं हम शुगर, चीनी। देखिए चीनी मिलाने के बाद थोड़ा सा और इसका कलर डार्क होगा। चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब हम ये मिलाएंगे इसमें मलाई जो हमने ली थी फ्रेश। देखिए इसी तरह से चलाते रहना है। देखिए काफ़ी थिक हो गया है, अब गैस को हम थोड़ा सा लो करते हैं और इसमें धीरे धीरे मिलाएंगे हम ये मिल्क पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है और लगातार चलाते जाना हमें, चारों तरफ से लेते रहिए। देखिए पैन छोड़ने लगा ये, अभी हमें पूरे अच्छे से डो की फॉर्म में लाना है इसको। इसमें अब डाल देंगे हम ये इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा और फ्लेवर आएगा इसका। आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो का तो अपना ही एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर होता है। देखिए इस तरह से गोली बन रही है, तो इसका मतलब ही पक गया हमारा। देखिए अब कम भी कर रहा है और एकदम इस तरह से गोली कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा और पकाएंगे बस इसको। ये बटर पेपर लेंगे, इसको भी ग्रीस करेंगे, फिर भी हम घी से ही ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा घी डालते हैं, क्योंकि इस पर हमें बर्फी मिल्क केक को सेट करना है। मैंगो का सबसे बड़ा कारण ये है कि थोड़ा स्टिकी सा होता है। देखिए हमने ये सारा ग्रीस कर लिया, कोई भी कटोरा या केक टिन वगैरह आप ले सकते हैं, मैं ये इस तरह का ले रही हूँ, आज गोल नहीं ले रहे। और इसमें करेंगे हम इसको सेट इस तरह से, तो ये पूरी अच्छे तरह से इसमें सेट हो जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारी बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया है ये, अब इसको हम डालेंगे और सेट करेंगे इसमें। अब इस पर करेंगे हम ये गार्निश पिस्तों से इसे। देखिए हमारा कितना अच्छा केसरी मैंगो मिल्क केक बनके तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसे फ्रीज में भी 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, अब इसे 1 घंटे बाद देखते हैं। देखिए हमारा ये 1 घंटा हो चुका है और ये केसरी मैंगो मिल्क केक बिल्कुल तैयार है, ठंडा भी हो गया है, देखिए सेट भी हो गया ये। अब इसको हम डीमोल्ड करते हैं। लीजिए हमारा ये बहुत ही स्वादिष्ट, यम्मी सा, प्यारा सा और केसरी मैंगो मिल्क केक बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ बनाइए और अपने अनुभव हमारे संग जरूर शेयर कीजिए।